हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आम आदमी बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत हमारे ग्रामीण भाइयों और भूमिहीन व्यक्तियों को उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये और दुर्घटना बस जो मृत्यु हो जाती है, यानी एक्सीडेंटल केस में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आपको 75,000 रुपये, और अगर आपका कोई भी अंग विकलांग हो जाता है या फिर आपका अंग कोई कट जाता है तो उसमें आपको 75,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत हमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स में चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोज के न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो गाइस। जैसा कि आप लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं कि लिखा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश आम आदमी बीमा योजना। दोस्तों, यह योजना आपकी LIC के अंतर्गत आती है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह योजना LIC के अंतर्गत आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि आम आदमी की परिभाषा यानी ग्रामीण और भूमिहीन व्यक्ति। दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण और भूमिहीन व्यक्ति ही उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है बीमा का आवरण, ठीक है, इसमें लिखा है फर्स्ट नंबर लिखा है कि प्राकृतिक मृत्यु की दशा में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, और दूसरा लिखा है दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में आपको 75,000 रुपये, और फिर तीसरा लिखा है अपंगता की दशा में 75,000 रुपये। अपंगता मतलब जानते हैं कि अगर आपके शरीर के जो सारे अंग हैं वो कट जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं तो उसमें आपको 75,000 रुपये दिए जाते हैं। और फिर लिखा चौथे नंबर में आंशिक अपंगता की दशा में, यानी आपके बॉडी का कोई भी एक अंग कट जाता है या उससे आप विकलांग हो जाते हैं तो उसमें आपको 37,500 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, यानी आपके 75,000 के आधे, ठीक है। तो दोस्तों, यही है आम आदमी बीमा योजना। दोस्तों, यह बीमा योजना आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत आता है। जिसने LIC में अपना बीमा करा रखा है इसका, तो वही लोग इसी के अंतर्गत आ सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते लिखा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक PDF फाइल खुलकर आ जाती है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप इसमें दी गई हुई है। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारी PDF ओपन हो चुकी है, ठीक है। ओपन होने के बाद देख सकते हैं लिखा ऊपर लिखा है कि प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग लखनऊ, ठीक है। अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लिखा है विषय लिखा है कि प्रदेश के जनपदों के अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों और निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण दिए जाने के संबंध में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत मैं बता दूं कि इसमें आम जो इसमें फर्स्ट नंबर पर लिखा है आम आदमी बीमा योजना के सदस्यों को नई योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अभिसरित किया जाएगा। यानी अगर जिसने अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना अगर कराया है तो उन्हीं लोगों के को ये योजना में लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें और मैं आपको दिखा दूँ, थर्ड नंबर में लिखा है कि आम आदमी बीमा योजना में आच्छादित लाभार्थियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट में आपको दोस्तों आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 50 साल होनी चाहिए, इसको पहले वर्ग में रखा गया है, और दूसरे वर्ग में आपको 51 से 59 वर्ष के बीच में रखा गया है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत में आपके पास अगर कोई ज़मीन नहीं है या फिर आप काफ़ी गरीब हैं और मजदूर हैं तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, इस PDF की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स में चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें आपकी एज 18 से 50 वर्ष मांगी गई है, और इसमें लिखा है कि ऐसा सदस्य जो BPL यानी BPL कार्ड के अंतर्गत आता है तो वही इसका लाभ उठा पाएगा। और थर्ड नंबर लिखा है कि आवेदक को परिवार का कमाऊ सदस्य या परिवार का मुखिया होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप परिवार के कमाऊ सदस्य हैं यानी परिवार के मेन मुखिया हैं और आपकी उम्र 18 साल से 50 वर्ष है, अगर आप मजदूरी करते हैं या फिर कोई आपकी ज़मीन नहीं है तो आप करते हैं, अगर आप उसमें आपने अगर बीमा कराया है और आपकी कोई प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत या फिर आपको LIC बीमा योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपको दुर्घटनावश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 75,000 रुपये, और अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो भी आपको 75,000 रुपये दिए जाते हैं। तो गाइस, यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आम आदमी बीमा योजना क्या है और इसमें कैसे कैसे आपको लाभ दिया जाता है और इसको कैसे आवेदन किया जाता है, यानी इसका आवेदन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के माध्यम से किया जाता है।
तो ये सब योजना आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी कि ये आम आदमी बीमा योजना क्या है। दोस्तों इस आम आदमी बीमा योजना में आपको कोई नए आवेदन नहीं किए जाते हैं, आपको केवल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको रजिस्टर होना आवश्यक है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में भी हम क्लियर कर देंगे। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर गाइस हमारी वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।